अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। संसद के अंदर कई मुद्दों पर सांसद अपनी राय रखते हैं। देखिए बीजेपी सांसद एमजे अकबर ने किस तरीके से ट्रिपल तलाक पर हुई बहस को लेकर ओवैसी और मौलवियों को आईना दिखाया। और प्रश्न जो भी इस बॉडी के बारे में पूछता है या इसका इसका उदाहरण देता है या उसका कोट करता है, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, इस बॉडी की क्रेडिबिलिटी क्या है? किसने इस बॉडी को इलेक्ट किया? ये कहां के ये रहनुमा बन गए? किस बेसिस पे? क्या यह कौम के अंदर इलेक्शन होता है जिसमें ये जीत के आते हैं? ये तो अपने आप को चुन लिए और अपने आप को चुन के बस अपने ही ख्याल के लोगों को जोड़ते जाते हैं और सारे देश के एक 18 करोड़ लोगों के ये एक फॉल्स आवाज बन गए। जब कुछ होता है, जब कोई बात होती है, भाई उनसे पूछ लो, क्यों पूछ ले? यहां पर जितने हैं हम कई पार्टीज के हैं लेकिन सब इलेक्ट होके आए हैं कहीं ना कहीं से, इनका अधिकार है राय जो भी रखे, लेकिन उनका क्या अधिकार होता है? ये मौका फिर जैसे बहुत लोगों ने कहा शाहबानों के जमाने में आया, वो मौका भी हाथ से निकल गया। लेकिन शाहबानों के जमाने में मैं दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि मीनाक्षी जी ने कह दिया है, बाकी लोग भी कह चुके हैं, मेंटेनेंस की बात मैं सबसे सुन रहा हूं, बड़ा मेंटेनेंस का ख्याल आ रहा है, बहुत मेंटेनेंस के दिल तड़प रहे हैं। शाहबानों का मेंटेनेंस 127 रुपया महीने का था मात्र, और उसके लिए आपने देश भर में आंदोलन कर दिया कि हम 127 रुपया को एक 62 साल की महिला जिसके जी ने मैं रिकॉर्ड में नहीं आएगा, इनकी बातें रिकॉर्ड में नहीं आएगा, केवल मंत्री जी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में आएगा। बैठिए, ये मैं शायद इनको कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि शुरू कर दूंगा तो बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी, लेकिन इनको इतना नहीं पता है, इनको इतना नहीं पता है कि मैं पार्लियामेंट में 89 में आया, 84 में नहीं, मैं 89 में आया। और खैर देखिए, शाहबानो और वैसे भी मैं कांग्रेस में नहीं था, शाहबानो के जमाने से बहुत कुछ शुरू हुआ है, लेकिन एक चीज जो शुरू हुई है वो आज भी सुन रहा हूं मैं, द एज ऑफ द फॉल्स आर्ग्यूमेंट, जिसमें तर्क धोखा बन जाता, और आप उन इश्यूज का उठाते हैं, उन सवाल का उठाते हैं, जैसे मेंटेनेंस का सवाल है, मेंटेनेंस के लिए बहुत दिल तड़प रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लाखों औरतें की हाल ऐसी है, एक आदमी ने, पता है आपको कितना चंदा मिलता है, एक आदमी ने एक पैसा भी अपना चंदा किसी भी औरत के मेंटेनेंस के लिए दिया? एक भी इदारा दिया है? कोई हमदर्दी नहीं है, ना औरतों से है ना रिफॉर्म से है। क्रिमिनलाइजेशन है, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर राय हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, आप टॉल सदन में कई लोग हैं, राय हो सकते हैं, और मैं जरूर मंत्री जी सबकी बात सुन रहे हैं, लेकिन ये बात क्यों भूल रहे हैं कि बिगमी में अगर आप, मैं गलत ना हो तो 7 साल का जेल, उस पर तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, आप कई कई आर्गुमेंट में अगर लाएं तो सारी कहानी मेरी इसी आर्गुमेंट में ही फंस जाएगी। लेकिन आपको एक बात के, 1986 की बात आप कर रहे हैं, 1986 में कौन सा नारा और कौन सा तर्क जो इस्तेमाल किया गया था, जिसको मैं बहुत खतरनाक तर्क समझता हूं, जो आज भी नीचे चलता है,
और ये तर्क और तर्क को करने वाले यहां पर बैठे कि इस्लाम खतरे में है, ये तर्क इस्तेमाल करते हैं कि शरिया को है बर्बाद किया जा रहा है और इस्लाम खतरे में है। पहले तो मैं एक मुसलमान के नाते कुछ बोलना चाहता हूं, जो कलमा पढ़ा हो, जो कलमा पढ़ा हो वो किस हैसियत से ये कह सकता है कि इस्लाम खतरे में हो सकता है? अगर वो इस्लाम को सच्चा मजहब मानता है तो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने इस गलत नारे को इस्तेमाल किया आजादी से पहले देश तोड़ने के लिए, और आज आप इस्तेमाल करते हैं समाज तोड़ने के लिए, और ये है जहर, ये फैलाया जा रहा है। कुछ खतरे में नहीं है, सिर्फ कुछ मुसलमान मर्दों का की जो जबरदस्ती है सिर्फ वही खतरे में, और कुछ खतरे में नहीं है। यहां पर हमारे किसी मित्र ने प्रश्न उठाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और वो है, मुझे याद नहीं है किसने उठाया है, कि ये शरिया क्या है, ये शरिया है क्या? इसका भी जवाब देना जरूरी है। हमारे दिमाग में बैठा है कि शरिया जो है कानून है। शरिया का असल माने कानून नहीं है, शरिया का असल माने रास्ता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है कि शरिया, और आपको पता है कि शरिया का जिक्र सिर्फ सारे कुरान शरीफ में एक बार है, और वो है जब अल्लाह रसूल हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते कि मैंने तुझे सही रास्ता दिखाया है। तो कानून जो बना, रास्ता फलसफा था, लेकिन कानून बनाने वाले मर्द थे, कानून बनाने वाले इंसान थे। आप कहते हैं कि शरिया, इसीलिए कोई शरिया एक नहीं है। सुन्नियों में मैं अगर चाहें तो पूरा ये सूरा अल जातिया का वर्स 18 मैं कोट कर सकता हूं, वी पुट दी इन द राइट वे कंसर्निंग दी अफेयर, इट मीन्स द राइट वे नॉट द लॉ, अल्लाह शोज द वे द फिलोसफी, एंड देन दिस इज बेस्ड ऑन इतिकादत बिलीफ आदाब मोरालिटी इबादत डिवोशन एंड उकाबत पनिशमेंट। पनिशमेंट बहुत जरूरी इसमें। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज़ टाइम्स 24 को।